करके ही रत्नत्रय की साधना के बल से वे सब सिद्धालय में पहुंचे। नए अपराध के बिना ही जीव अनादि काल से ही विपरीत श्रद्धानी है, परंतु यह जीव चाहे तो वर्तमान में अपने पुरुषार्थ से विपरीत श्रद्धा आदि का परिहार कर सकता है। उल्टी मान्यता का त्याग करना इस मनुष्य के हाथ में है। देखना आप लोग के हाथ में कुछ है क्या, है ना? कोई कह रहा हमारे हाथ में तो पेंसिल है, वो कह रहा हमारे हाथ में अंगूठी है, हमारे हाथ में ये है। हमारे हाथ में से मतलब ये हमारे हाथ में वो नहीं, हाथ में से मतलब ये है कि इसको हम बुद्धिपूर्वक इसका अभाव कर सकते हैं, मिथ्यात्व गुणस्थान का हम अभाव कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये हमारा कर, देखो कर सकते हैं, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा मैं तो आपसे कहूँगा ये हमारा कर्तव्य है, हम सभी का ये कर्तव्य है इस भव का कि हमें इसी गुण मतलब जिस गुणस्थान से हम आए हैं उसी गुणस्थान से हमें वापस नहीं जाना है, है ना? हमारा प्रयास तो हम सभी को यही करना है, यही होना चाहिए, वरना जैन धर्म की पढ़ाई पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। देखो उल्टी मान्यता का त्याग करना इस मनुष्य के हाथ में है। क्यों? क्योंकि स्वयं ये जीव उल्टी मान्यता करता है। उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धा, मिथ्यात्व, संसार मार्ग, दुख मार्ग, इन सबका अर्थ एक ही है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। पहला प्रश्न इसमें इसका पहला है और बाकी देखा जाए तो नौवें नंबर का यह प्रश्न है। मिथ्यात्व दशा में जीव के भाव कैसे होते हैं यह स्पष्ट कीजिए, जिससे मिथ्यात्व का सही स्वरूप हम समझ सकें और उसका त्याग कर सकें। देखते हैं अपन हालांकि इसको पहले भी देख चुके हैं। कब पढ़ा था आप लोगों ने मिथ्यात्व गुणस्थान में होने वाले भाव? शिविर में पढ़ा था, कुछ ज्यादा पीछे पहुंच गए। अरे भैया लास्ट क्लास हमारी जो हुई थी सैटरडे को, उसी दिन हमने पढ़ा था कि मिथ्यात्व गुणस्थान में कैसे भाव होते। देखो पेज पलट के, ये बताया था टोटो हम अभी वर्तमान में किस गुणस्थान में यदि जानना चाहें तो कैसे जाना जा सकता है। तो फिर टोडरमल जी का ये मोक्ष में प्रकाशक का उदाहरण दिया था कि नहीं दिया था कि ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके कैसे भाव होते हैं। पेज नंबर है 64, शरीर को अपना मानता है, शरीर के पर्यायों को अपना मानता है, शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता है, ये है मिथ्यात्व गुणस्थान में होने वाले भाव। ठीक है, पढ़ चुके थे अपन, जो कुछ ज़्यादा पीछे पहुँच के। देखो आगे बढ़ते हैं। अज्ञानी जीव अनादि काल से ही विपरीत मान्यता को यथार्थ मानकर मिथ्यात्व को ही सतत पुष्ट कर रहा है। यहां कह रहे हैं देखो सीधी सी बात, यहां कह रहे हैं कि हम अनादि काल से हम सभी एक गलती करते आ रहे हैं, वो गलती का नाम ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मतलब आप इसको ऐसे मत समझो कि अपन जिनवाणी की कोई चीज है, जिनवाणी में कह दिया लिखा है ठीक है। हम अनादि काल से गलती करे आ रहे हैं, हम सभी एक गलती कर रहे हैं, वो गलती का नाम ही मिथ्यात्व है। अज्ञानी जीव अनादि काल से ही विपरीत मान्यता को यथार्थ मानकर मिथ्यात्व को ही सतत पुष्ट करता आ रहा है, ये दूसरी गलती। देखो आपको पता है अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम गलती को एक्सेप्ट करके उसको सुधार सकते हैं। लेकिन जो हम गलती कर रहे हैं उसी को सही मान लें तो ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। जैसे मैं कोई गलत काम कर रहा हूं और आप उदाहरण के रूप में, और किसी ने मुझे बताया कि ये काम गलत है और मुझे वो गलत लगा और गलती मानी तो तुरंत मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन गलती करने के बावजूद भी हमारे साथ यही होता है, हम मनुष्यों के साथ यही होता है। आप लोग कोई भी गलती करते हो हमारे देखो एक्सक्यूजेस लाइन लग जाती है, क्लास में क्यों नहीं थे? अगर हम एक छोटी सी बात मान लें कि हाँ साहब हमारी गलती थी, मुझे नींद आ गई थी या जो भी आपका कारण हो, तो वो तुरंत सॉल्व आउट हो सकती है। लेकिन आप अगर उसको, आप दिक्कत क्या है, हम उसको अपनी गलती ही नहीं मानते। हम तो नहीं नहीं साहब दिन भर लगे रहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा, हम तो थोड़ा करेंगे, थोड़ा तो सोना, जो भी आप लोग करें, नहीं नहीं साहब वो तो हमें सूचना नहीं थी, हमें कोई बताने नहीं आया था। इस तरीके से हम अपनी गलती को सिक्योर करना चाहते हैं, फिर वो चीज़ नहीं कभी भी नष्ट हो सकती। बुरी चीज को बुरा माने तो एक बार उसका अभाव हो सकता है, लेकिन अगर बुरी चीज को अच्छा मान लिया जाए तो बहुत दिक्कत है। यहाँ कह रहे हैं दो गलतियां हो गई हमारे से, एक तो है गलती और दूसरा है अपराध। थोड़ी दिनों पहले आदरणीय भाई साहब के प्रवचन में ही आया था कि अपराध क्या होता है और दोष क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा ध्यान से, है ना? ध्यान सुन, याद है ना, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। अपराध में क्या अंतर होता है, दोष क्या होता है? वास्तव में देखा जाए हम मिथ्यात्व को लें तो ये मिथ्यात्व करना हालांकि अपराध है,
लेकिन अभी इस प्रकरण में मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। इस प्रकरण में मैं क्या कह रहा हूँ, हालांकि मिथ्यात्व हम अपन अनादि काल से कर रहे हैं, तो एक मान लिया कि हमारा एक दोष है, लेकिन उस मिथ्यात्व का अभाव नहीं करना, मिथ्यात्व को ही ठीक मानना, विषय कषाय में ही अपना जीवन व्यतीत कर देना, ये हमारा सबसे बड़ा क्या कहें अपराध है, ये इसके हमें दंड मिलेगा इस भव में। सचमुच देखा जाए इस मनुष्य भव को प्राप्त करने के बावजूद भी अगर अपन मिथ्यात्व का अभाव करने का प्रयास नहीं करते हैं तो बिल्कुल सब कुछ बेकार जाने वाला है। यहाँ वही कह रहे हैं, देखो, अज्ञानी जीव अनादिकाल से ही विपरीत मान्यता को यथार्थ मानकर मिथ्यात्व को ही सतत पुष्ट कर रहा है, तथा सत्समागम एवं सत्शास्त्र का अध्ययन ना करने से अपनी गलती का भी उसे सच्चा ज्ञान नहीं है। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारा भाग्य इसीलिए तो है। देखो, ये सत्समागम है, स्मारक का मिलना एक समागम है, और सत्शास्त्रों का अभ्यास करना ये भी हमें, इसका मतलब हमें सत्समागम भी मिला, सत्शास्त्र भी मिला, बुद्धि भी मिली, समझ में भी आ रहा है, और अपराध जो कहा गया है वो लगता भी है कि ऐसी मान्यता हमारी हो रही है। तो देखो, दिक्कत तो यहाँ उन लोगों की है जिन्हें समागम, आप सोचो तो इस दुनिया में कितनी अरब जनता है, कितनी कितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, 7 अरब वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग को पता है कि हम मिथ्यात्व के वशीभूत हो रहे हैं। आपको पता है ये वेस्टर्न कल्चर वाले जो हैं या हमारे विदेश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको तो लग रहा है कि हम अपनी मर्जी का कर रहे हैं, हमारे जो मन में आ रहा है जो रह रहे हैं, जैसे मन में आ रहा है खा रहे हैं, जैसे मन में आ रहा है पी रहे हैं, जैसे मन में आ रहा है पहन रहे हैं, बहुत गलत लग रहा है, हमें लग रहा है कि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए वो मिथ्यात्व नाम का जो पिशाच है ना, वो मिथ्यात्व नाम का पिशाच हमसे करवा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे से क्या हो रहा है। ये अभी समय सार की ये चौथी गाथा है, चौथी गाथा की टीका में ये लिखा है कुनकुन अमृतचंद आचार्य ने कि मोह रूपी पिशाच के कारण बैलों की भांति जोता जा रहा है, ऐसी हमारी दशा हो रही है। हमें लग रहा है कि देखो, मैं रात में खा लेता हूँ, वो खाता नहीं हूँ, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, है ना, इसको गलत मत समझ लेना। जैसे मैं अगर कोई, जैसे कोई फॉरेनर है, कोई विदेशी है, तो वो रात में खा रहा है ना, रात में खा रहा है, जो मन में आया है सो पी रहा है, जो मन में आ रहा है सो कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो तो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है, जो मन में आ रहा है सो कर रहा है। कई यूथ की ऐसी मान्यता होती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए हमें पता ही नहीं है कि वो मिथ्यात्व हमसे ये सब कुछ करा रहा है, वो मिथ्यात्व के वशीभूत हो गए हम सारा काम कर रहे हैं। अगर मिथ्यात्व के वशीभूत नहीं होते तो हमसे ये करवा नहीं सकता था कोई। देखो, उस दिन का प्रवचन बहुत अच्छा हुआ था भाई साहब का, जब चौथी गाथा की ये टीका ली गई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था, आप लोगों ने देखा कई सारे व्यक्ति होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी दुकान खोल लेते हैं, है ना, हर जगह होते हैं कि नहीं होते हैं, चार पाँच बजे, पाँच बजे, छः बजे, इतनी सर्दियों में भी बहुत जल्दी दुकान खोल लेते हैं। क्या करा, कौन है वो व्यक्ति जो इनसे ये सब करा लेता है? तब उन्होंने, भाई साहब ने ये सिद्ध किया था, वो मिथ्यात्व नाम का पिशाच है, मिथ्यात्व नाम का भूत लगा हुआ है। हमें लग रहा है कि हमें कोई व्यंतर बाधा नहीं है, हम सभी को व्यंतर बाधा है, सभी को पिशाच लगा हुआ है, वो मिथ्यात्व नामक पिशाच है जो उल्टे उल्टे काम करा रहा है ना। हमें देखो, सुबह ना ऐसे देखो, ऐसी सारी चीजें हैं, व्यक्ति पागलों की तरह अपने स्वास्थ्य की भी बिना चिंता किए हुए, है ना, अभी तो हम ये छोड़ दें कि शरीर अपना है कि नहीं, स्वास्थ्य की भी बिना चिंता किए हुए लगा जा रहा है, लगे जा रहा है, कमाने में लगा जा रहा है, फैमिली से कोई मतलब नहीं है, घर वालों से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई, घर में झंझट हो रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, वो कमाया जा रहा है। क्या क्या है वो जो उससे इतना सब कुछ करवा लेता है? ये मिथ्यात्व नाम का पिशाच लगा हुआ है। इसीलिए देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तथा सत्समागम एवं सतत शास्त्र का अध्ययन ना करने से अपनी गलती का भी उसे सच्चा ज्ञान नहीं है, अतः मिथ्यात्व छोड़ने तथा छुड़ाने के अभिप्राय से यहाँ सुबोध शब्दों में मिथ्यात्व परिणाम को स्पष्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ध्यान दो, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी सच्चे देव को छोड़कर अन्य मोही रागी द्वेषी देवी देवताओं को सच्चा देव मानना, ये कौन सा मिथ्यात्व हो गया? नहीं, विनय में बराबर, विनय मिथ्यात्व है, और अपन जो ग्रहित और अग्रहित में से पढ़ते हैं उसमें से कौन सा मिथ्यात्व है? ये ग्रहित मिथ्यात्व है। देखो, अन्य मोही रागी द्वेषी देवी देव देव देवियों को सच्चा देव मानना, सर्वज्ञ कथित सत शास्त्रों में विपरीत शास्त्र का यथार्थ शास्त्र मानना, विपरीत शास्त्र को यथार्थ शास्त्र मानना, छठवे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिगी दिगंबर मुनिराज को छोड़कर अन्य भेष धारकों को गुरुपने से स्वीकार करना, यह सब ग्रहित मिथ्यात्व है। कुल मिला के कहा जाए तो देवशास्त्र गुरु को छोड़कर कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र को मानना
है ना, उनके उनकी सेवा करना, ये सब क्या है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं क्या होता है ग्रहित मिथ्यात्व। आगे बढ़ते हैं, ये तो हुआ ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में। अब यहाँ पर चर्चा की जा रही है वो कौन से मिथ्यात्व की होगी, अग्रहित की। देखो अब अग्रहित मिथ्यात्व का कैसे सेवन हो रहा है, अपने से सर्वथा भिन्न। और पिछले क्या शब्द आपको याद है, टोडरमल जी ने क्या शब्द का प्रयोग किया था अपने से सर्वथा भिन्न के लिए, उन्होंने एक शब्द, बस एक शब्द था। थोड़ा सा हिंट करूं, आपकी न्याय की जो गोष्ठी हुई थी उसमें वो शब्द आया था बार बार। चलो आपको लोग नहीं, मैं ही बता दूं, अपने से प्रत्यक्ष भिन्न, ऐसे जो स्त्री पुत्र आदि हैं उनको अपना मानता है। ये पिछले वाले अपन ने पैराग्राफ में पढ़ा था, उसमें जो टोडरमल जी का अपन ने उदाहरण, अपने से जो प्रत्यक्ष भिन्न है, देखो अपने से सर्वथा भिन्न, धन धान्य दुकान मकान पुत्र मित्र कलत्र आदि में एकत्व बुद्धि को एवं सात तत्वों में विपरीत मान्यता को अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। आगे ये आ गया होगा आप सभी को समझ में, अपन पढ़ चुके हैं कई बार। हम जीव हैं तथापि जीव से सर्वथा भिन्न जड़ स्वभावी शरीर को अपना मानने वाले बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि हैं। ये आ गया होगा समझ में, शरीर को अपना मानना। आगे, जीव ज्ञानानंद स्वभावी होने पर भी उसे क्रोधादि स्वभावमय मानना मिथ्यात्व है। देखो कुछ समझ में आ रहा है आपको, यहाँ क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। सबसे पहले वाले में नौ कर्म को अपना माना गया, सेकंड वाले पॉइंट में नौ कर्म, द्रव्यकर्म भावकर्म, समझते हो आप लोग, है ना, समझते हैं। फर्स्ट ईयर में आ गए इतना हम सभी समझते हैं। ये इसमें नहीं लिखा है लेकिन समझो, ये जहाँ चाहो तो आप लोग वो कर सकते हो, लिख सकते हो। पहला, दूसरे वाले पॉइंट में नौ कर्म को अपना माना गया, उसके बारे में बताया गया है। तीसरे वाले पॉइंट में शरीर रूप जो नौ कर्म है उसको अपना माना गया। यहाँ चौथे वाले पॉइंट में भाव कर्म, क्योंकि क्रोधादिक भाव हैं ये भाव कर्म में आते हैं, इनको अपना माना गया। और द्रव्य कर्म बचाना, तो द्रव्य कर्म के भी रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म को अपना मानना, ये मिथ्यात्व है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में जो यहाँ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपन, जीव अनादि से ही अमूर्तिक एवं ज्ञानानंद स्वभावी होने पर भी उसे मूर्तिक अचेतन मनुष्य आदि रूप मानना मिथ्यात्व है। मनुष्य आदि रूप मानना, देखो इसको समझ में आया, जीव को हमने मनुष्य रूप कहाँ माना, हमने तो अपने को मनुष्य रूप माना ना। किसी लोगों का प्रश्न हो सकता है, प्रश्न समझ में आ रहा है सभी को, हमने जीव को थोड़ी ना मूर्तिक माना, जीव को थोड़ी ना शरीर माना, हमने जीव को थोड़ी ना, या क्या पॉइंट था, अचेतन माना, मनुष्य माना, हमने तो अपने को माना। तो भाई तुम और जीव क्या अलग अलग है, हम क्या हैं, मतलब हम कह रहे हैं हमने अपने को मनुष्य माना, तो अपन क्या है, अपन भी तो जीव ही हैं। तो यहाँ वही तो बात हो गई कि जीव को मनुष्य माना, आपको समझ में आ रहा है। हम कहें कि नहीं हमने साहब अपने को मनुष्य माना, तो अपन तो आखिर जीव ही थे ना, तो हमारे जब लिखा जाएगा तो यही तो कहा रह जाएगा कि जीव को मनुष्य माना, तो उस अपेक्षा से ये लिखा गया है। जीव अनादि से ही अमूर्तिक है, ज्ञानानंद स्वभावी होने पर भी उसे मूर्तिक मानना, अचेतन मानना, मनुष्य आदि रूप मानना, ये मिथ्यात्व है। अपने को भूल करके शरीर आदि पर पदार्थों में अहंकार ममकार कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि भ्रमभाव रखना, ये सब मिथ्यात्व के चिन्ह हैं। मैं शरीर का हूँ, शरीर मेरा है, शरीर की अवस्थाएं मेरी हैं और शरीर से संबंध रखने वाले मेरे हैं। समय सार में तो गाथाएं भी आती हैं, मैं इनका था ये मेरे थे, मैं इनका हो जाऊंगा ये मेरे हो जाएंगे, इस प्रकार से पूरे वो जीवाजीव अधिकार में ही अभी जो प्रकरण चल रहा है वो आगे आएगा, इनको ही अपना मान लेते हैं कि मैं, देखो ये हमारे भूतकाल के दोस्त थे, ये हमारे भविष्य में ऐसे होंगे, भविष्य में हम लोग ऐसा करेंगे, या कह रहे हैं इसको ही अपना मान लेता है, हम इनके थे ये हमारे होंगे, हम इनके हैं ये हमारे हैं, ये हमारे थे हम इनके हो जाएंगे, या कह रहे टोटली रूप से जो मान्यता चल रही है वो इसी के रूप में चलती रहती है। अहंकार ममकार और कर्तृत्व भोक्तृत्व आप सभी को समझ में आता है क्या, आता है क्या, तो फिर मैं डिस्क्राइब नहीं करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। छठवा, अब मिथ्यात्व के चिन्ह ये क्या है, मिथ्यात्व के चिन्ह बताए जा रहे हैं। अगले, पुण्य पाप भाव को धर्म मानना। ठीक है, पुण्य को धर्म मानना और पाप को भी धर्म मानना, पाप को धर्म माना जाता है, पाप को भी धर्म मानते हैं, जिन कार्यों में हिंसा होती है उन हिंसा के कार्यों में भी हम धर्म माने, तो पाप को ही तो धर्म मानना हो गया। ठीक है, और पुण्य को तो धर्म, ये पूरे अपने जैन समाज के अजैन समाज में व्याप्ति है, तो पुण्य पाप भाव को धर्म मानना,
अपन ने देखा भी था कि थोड़ा सा कुछ क्रियाएं बढ़ जाती हैं, थोड़े से कुछ भाव बढ़ जाते हैं, थोड़े से कुछ नियम बढ़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत धर्मात्मा हो गए, तुम लोग बहुत तुच्छ हो और मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ। किससे हो गया? क्योंकि मुझे जो शुभ भाव आए, पुण्य भाव आए, उससे मैंने अपने आप को बड़ा धार्मिक मान लिया, और आपको वैसे भाव नहीं आए तो मैंने आपको पापी, अज्ञानी, अधर्मात्मा ये घोषित कर दिया। कह रहे पुण्य पाप का इससे कोई मतलब नहीं है। तो पुण्य पाप भाव को धर्म मानना, पहला मिथ्यात्व के चिन्ह। सेकंड, मैं परजीवों को मार सकता हूं अथवा बचा सकता हूं। ठीक है, ये मैं डिस्क्राइब तो नहीं, आपको पता है अगर इसी पे अपन चर्चा करें तो एक एक चीज, एक एक बात पर अपन घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा भी नहीं लेते हैं क्योंकि हम अन्य ग्रंथों में भी इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे अभी समझने का प्रयास करेंगे। मैं परजीवों को मार सकता हूं अथवा बचा सकता हूं, ये हमारे सुबह के प्रोविजन में चल ही रहा है, जिनवाणी चैनल पर आप सुनते हैं। मैं परजीवों को मार सकता हूं अथवा बचा सकता हूं, ये मिथ्यात्व गुणस्थान की निशानी है। और परजीव मुझे मार सकते हैं अथवा बचा सकते हैं, ये हमारा अहित कर देंगे, ये हमारा भला कर देंगे, हमारा बुरा कर देंगे, आगे कहने वाले हैं। मैं अन्य जीवों को सुखी दुखी कर सकता हूं। अरे यार वो व्यक्ति मेरी वजह से दुखी हो गया, अरे यार मैं जब उसके साथ होता हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुखी होता है, तो मैं परजीव को सुखी कर सकता हूँ और मैं परजीवों को दुखी कर सकता हूँ, ये मान्यता। मैं अन्य जीवों को सुखी दुखी कर सकता हूँ अथवा अन्य जीव मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं अथवा मेरा अकल्याण कर सकते हैं। पांचवा, देव व गुरु मेरा कल्याण व अकल्याण भी कर सकते हैं, ये भी मिथ्यात्व है। देव या गुरु समझ में आया? अरे साहब भगवान के दर्शन करने चले जाते हैं, भगवान नाराज हो गए तो, है ना, हमारी तरफ तिरछी नज़र से देख लिया तो हमारा क्या होगा, इसलिए साहब हम भी थोड़े बहुत भगवान के दर्शन अटेंडेंस लगाने भगवान के पास भी चले जाते हैं। तो तुमने भगवान को कर्ता माना, ये भी मिथ्यात्व है। गुरु, नहीं नहीं साहब अगर नहीं पूछें तो पता नहीं क्या अपना अहित कर दें, पता नहीं क्या कर देंगे, ये इस ग्रहित मिथ्यात्व में सबसे ज़्यादा लोग ये इसके हेतु देते हैं। साहब देवी देवताओं को नहीं मानेंगे तो पता नहीं वो अपना बुरा करते तो, अपना कोई अहित कर दे तो, कुछ बुरा कर दिया तब अपन क्या करेंगे, उनके पास तो बहुत शक्ति होती है, वे तो वैक्रियक शरीर वाले होते हैं। नहीं नहीं साहब मान लो, क्या दिक्कत जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर लो, इतना नहीं इतना कर लो, ज़्यादा नहीं ऐसा वाला नहीं करेंगे अपन, इतना वाला कर लेंगे, ऐसा वाला ना, इतना कर लो बस, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई ये मिथ्यात्व के चिन्ह हैं, जिसको वस्तु तत्व पता चल जाता है उनको ये रागी द्वेषी देवी देवताओं का सेवन ही नहीं होता, उनके जीवन से ही निकल जाता है। देखो, देव व गुरु मेरा कल्याण व अकल्याण भी कर सकते हैं, यहाँ तो सच्चे देव और सच्चे गुरु के बारे में कह रहे हैं। सच्चे देव हमारा कुछ कल्याण कर देंगे, हे भगवान आप मुझे बचा लो, हे भगवान भव से पार लगा दो, हे भगवान तुम तो दीन दुखियों को तारते हो, हमें भी तार दो, है ना, और तुम्हारी क्या बिगड़ती है, हमारी बिगड़ी सुधरती है, तुम कर दो पार लगा दो हमारे को, ये मिथ्यात्व के चिन्ह हैं। देव व गुरु मेरा कल्याण व अकल्याण भी कर सकते हैं। विश्व के कुछ पदार्थ अच्छे हैं अथवा कुछ पदार्थ बुरे हैं, है ना, क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्लास में कुछ बच्चे बहुत बुरे हैं, ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। देखो, विश्व के कुछ पदार्थ अच्छे हैं अथवा कुछ पदार्थ बुरे हैं, ये किसकी मान्यता हो गई, इसी को क्या कहते हैं, ईस्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना करना। ईस्ट मतलब अच्छा मानना और अनिष्ट मतलब बुरा मानना। इसमें बहुत चर्चाएं की जा सकती हैं, मैं तो अभी चुपचाप अपने जो भी ध्यान आता जा रहा है वो सबको दबाए हुए बैठा हूँ। ठीक है, आगे बढ़, क्योंकि अपना आगे बढ़ना है ना अपन को। विश्व के कुछ पदार्थ अच्छे हैं अथवा कुछ पदार्थ बुरे हैं, इस तरह के सर्व अज्ञान जनित विचार नियम से तीव्र मिथ्यात्व रूप ही हैं, क्योंकि ये सब वस्तु स्वरूप से विरुद्ध हैं। अब देखो, समराइज करें इसके आंसर को। सबसे पहले वाले पॉइंट में तो ये बताया गया था कि ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करना वह मिथ्यात्व का चिन्ह है। नौकर्म मतलब ये मेरा बैग है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा रूम है, हमारे बेड पे काय बैठ गए, निकलो हमारे रूम से, है ना, हमारे रूम है, हमें क्या, हमाया किसका है भाई, क्या है दोबारा, क्या बेड लेके आए थे, रूम लेके आए थे, कुछ लेके नहीं आए थे, है ना, हमारा रूम है, निकल जाओ यहाँ से। तो यहाँ कह रहे नौ कर्म को अपना मानना, एक दूसरे को मत देखो। अरे भाषा हमारी निकल जाती है, हमारे कथन हो जाता है, लेकिन हमें उसको समझना चाहिए, इसीलिए मैं आपको वही उदाहरण देता हूँ जिससे अपन समझ सकें। ठीक है, ये नौ कर्म को अपना मानना हुआ। फिर आगे कहा शरीर रूप नौ कर्म को अपना मानना, ये शरीर हमारा है। यार मैं पहले से थोड़ा पतला हो गया, अरे यार है ना, मैं थोड़ा बाहर चला गया, सिटी चले गए अपन तो, अरे यार बहुत पसीना निकल गया, काले हो गए, देखना काला हो गया पहले से, है ना, इस तरीके से ये शरीर को अपना मानना, शरीर की अवस्थाओं को अपना मानना, है ना,
एक दूसरे को मत देखो भाई, हम सभी करते हैं, हम एक दूसरे को देखने की क्या जरूरत है। किसी का व्यक्त रूप में आ जाता है, किसी का अव्यक्त रूप में रहता है। बाकी मिथ्यात्व गुणस्थान में तो ऐसे भाव सभी को ही होते हैं, किसी को किसी रूप होते हैं, किसी को अन्य रूप होते हैं, है ना। तो ये इस तरीके के भाव करना, मतलब शरीर को अपना मानना, शरीर की अवस्थाओं को अपना करना। फिर अगला जो पॉइंट था वो था कि भाव कर्म को अपना मानना। यार मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, क्या करूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, है ना, मुझे बहुत मान आ जाता है, मुझे यार बहुत लालची हूँ, बहुत लालच आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाती है, मायाचारी पता नहीं क्यों आ जाती है। इस तरीके से इन भावों में अपनापन करना, है ना। कई लोग कहते भी हैं साहब हमें गुस्सा बहुत आ जाता है, बताओ इसका सोल्यूशन बताओ, है ना, इसका उपाय बताओ। आप लोग भी जाते हो ना, तो किसी ना किसी ने तो 10 धर्म के दिन पूछा ही होगा, साहब गुस्सा बहुत आ जाता है, सॉल्यूशन बताओ। किसी से पूछा किसी ने, है ना, पूछा, ऐसे कई बार पूछते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ तक कह रहे हैं उन भाव कर्म को अपना मानना, कषाय आदिक को अपना मानना, ये भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है। फिर आगे यहाँ कहा कि जो शरीर से, मतलब अपने जो मूर्ति, अपना जो अमूर्तिक आत्मा है, उस अमूर्तिक आत्मा को छोड़कर जो अन्य अचेतन पदार्थ हैं उनको अपना मानना, उनको अपना कहना, उनको अहंकार ममकार एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि करना, यह मिथ्यात्व है। फिर आगे बताया पुण्य पाप को एक मानना, इनको धर्म मानना, एक ही बात है। पुण्य पाप को एक मानना तो सम्यक्त्व है, पुण्य पाप को अलग अलग मानना यह मिथ्यात्व है, ठीक है। पुण्य पाप में धर्म मानना, फिर आगे कहा मैं परजीव को मार सकता हूँ, मैं उसको बचा सकता हूँ, है ना, मैं, मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई बचा लेगा, मैं किसी को सुख दुख कर सकता हूँ, मैं कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, मुझे, है ना, इस तरीके के जो भाव हैं, देव और गुरु हमारा कल्याण कर देंगे, है ना, ये हमारा अकल्याण कर देंगे, और कुछ पदार्थ अच्छे हैं और कुछ पदार्थ बुरे हैं, इस प्रकार की जो मान्यता है ये सब मिथ्यात्व के ही चिन्ह हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। आचार्य श्री नेमीचंद्र स्वामी ने गौमटसार जीव कांड की गाथा 15 में मिथ्यात्व गुणस्थान की परिभाषा निम्न अनुसार दी है। अब टॉपिक चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, किसकी चर्चा हुई अभी तक हमारी क्लास में, मिथ्यात्व के चिन्ह क्या हैं, है ना। अब यहाँ पर किसकी चर्चा आगे आ रही है टॉपिक में, कि मिथ्यात्व गुणस्थान जो है उसकी परिभाषा क्या है। पढ़िए आप लोग गाथा पढ़िए। मिच्छो, मैं पढ़ता हूँ, है ना, मिच्छो दयेण मिच्छतम सद्हणम तु तच्च अत्थाणम एयंतम विवरीयम विनयम संशय मदम। हाँ चलिए पढ़िए अब आप लोग। देखिए अपन इसकी परिभाषा देखते हैं, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, और अब अभी अपन सब लोग याद कर लेंगे अगर आप लोग थोड़ा सा अटेंशन पे करें तो। देखो पहले मैं पढ़ता हूँ, आप ही लोग पढ़िए, पढ़िए आप लोग। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, दिखाना। चेंज है, लो मेरे पास जो PDF है वो उसमें अलग है, कोई बात नहीं, सेम ही है क्या, ये एप्पल का थोड़ी ना है, PDF तो अपने स्मारक का ही है। हाँ चुप रहो, कौतूहल का विषय मत बनाओ, रहने दो जो हुआ। अब यहाँ कह रहे हैं मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते, तो एक बार आप लोग, आप ही कैसे पढ़ाता हूँ मैं, देना थोड़ा सा, बाकी सेम है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, कुछ नहीं है। देखो मैं इसका पढ़ के बताऊं आपको इसमें क्या लिखा है। दर्शन मुनि मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के अतत् श्रद्धानुरूप भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। बस इसमें तत्वार्थों का विपरीत श्रद्धान आ गया, उसमें अतत् श्रद्धान है, एक ही बात है, ठीक है। देखो अब इसको समझते, इसमें से दो चीज़ें हैं, आप लोग फाइंड आउट कर सको तो कर लो। अच्छा उपादान निमित्त दिखाई दे रहा है आपको, निमित्त उपादान कर सकते हो, अलग करना आ गया आप लोगों को, मैं बताऊँ नहीं, आगे बढ़ सकता हूँ। देखो दो चीजें यहाँ कही जा रही हैं, किसका निमित्त होता है, दर्शन मुनि कर्म का निमित्त होता है, और कार्य क्या होता है, नैमित्त क्या है, विपरीत श्रद्धान, ठीक है, ये कार्य हो गया। दूसरा उपादान, इसमें उपादान क्या है, मिथ्यात्व उपादान है। अच्छा अब देखो गलती बताता हूँ कि अगर मिथ्यात्व उपादान है
तो गुणस्थान मिथ्यात्व को होता है कि जीव को होता है? जीव को होता है ना, तो उपादान क्या होगा? जीव ही होगा। तो जीव के श्रद्धा गुण का विपरीत रूप परिणमन, ये उसका उपादान है। ठीक है, तत्समय की योग्यता वह भी निश्चय से उपादान कारण है। और पहला गुणस्थान होना, विपरीत श्रद्धान होना, ये क्या है? उपादेय है। अब इसको समझते हैं। दो बातें हैं सिर्फ इसमें, कुछ भी नहीं है समझने के लिए। एक तो दर्शन मुनि मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में, अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के अतत्व श्रद्धान रूप भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। दो चीजें हैं सिर्फ, दो के अलावा कुछ नहीं है। जीव का अतत्व श्रद्धान होना, जीव का अतत्व श्रद्धान होना, ये उपादान। और निमित्त क्या है? दर्शन मुनि कर्म का उदय निमित्त होना। दो चीजें हैं, तो दो याद करते हैं अपन। दर्शन मुनि कर्म का उदय निमित्त होना और जीव के अतत्व रूप श्रद्धान होना, दो बातें हैं ना दीपक, ख्याल में आ रहा है? दो बातें कौन कौन सी हैं सचिन, आ रहा है ख्याल में? दर्शन मुनि का उदय होना, ये क्या है? निमित्त है कि उपादान है? ये निमित्त है। ठीक है, दर्शन मुनि कर्म का निमित्त होना और जीव का अतत्व श्रद्धान रूप परिणमन करना। देखो दो ही बातें हैं, दो के अलावा तीसरी कुछ है ही नहीं। दर्शन मुनि मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में, अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के अतत्व श्रद्धान रूप भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। इसका मतलब ये गुणस्थान किसके हैं? जीव के हैं। पहला गुणस्थान कब होता है? जीव के कैसे भाव होते हैं? अतत्व श्रद्धान रूप भाव होते हैं। किसके निमित्त से होते हैं? दर्शन मुनि कर्म के उदय के निमित्त में। बराबर, इतनी ही बातें हैं। ठीक है, आपको आया समझ में? अब इसी को ही आगे डिटेल कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल नहीं करता, आगे बराबर इसमें पर्याप्त विवेचन किया है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, जीव के मिथ्यात्व परिणाम में दर्शन मुनि कर्म के तीन, अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व एवं सम्यक प्रकृति भेदों में से मिथ्यात्व दर्शन मुनि नामक द्रव्य कर्म का उदय नियम से निमित्त रूप रहता है। ये यहाँ क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया, दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में, आपको याद है वो चार्ट? पूरा ध्यान रखो फिर से, वो चार्ट अपन ने एक बार बनाया था और बाद में भी ये चार्ट सीखा था। मोहनीय के दो भेद हैं, कौन कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के कितने भेद हैं? कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो यहाँ पर तीन भेद हैं दर्शन मुनि के, और कौन सा भेद लिया है यहाँ पे? पहला लिया। यहाँ कह रहे हैं पहला वाला तो नियम से होता ही है। कोई मुझे बताएगा क्यों? वरना मैं तो इसका उत्तर दूंगा ही, आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पहले वाला क्यों होता है? मिथ्यात्वी क्यों होता है? सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति क्यों नहीं ले सकते अपन? आए तो हाथ उठाओ, सबने पढ़ा है इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप लोगों से पूछ रहा हूँ इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ी सी हेल्प कर दो, प्रश्नोत्तर में ही पढ़ा है, गहराई से पढ़ो सब लोग। याद करने के साथ साथ ऐसे रटने से कोई मतलब नहीं है, गहराई से पढ़ो। काफ़ी फिर भी बहुत सारे लोगों का हाथ उठ रहा है, किससे पूछूं? बताओ नयन। बिल्कुल सही उत्तर, सभी को आ गया समझ में? मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल सही कहा कि इसको अपन ऐसे समझे। आपको याद है वो चक्की थी एक, है ना? कौन सी चक्की थी वो? प्रथमोपशम सम्यक्त रूपी चक्की। उस चक्की में जब मिथ्यात्व डलता है तब उसके तीन भेद होते हैं ना। तो अभी तक जिसकी जिसके पास चक्की, जिसने अभी तक चक्की नहीं खरीदी उसका क्या? चक्की नहीं खरीदी मतलब ये तो मैं भाषा कह रहा हूँ, जिसके पास अभी तक वो प्रथमोपशम सम्यक्त रूपी चक्की ही नहीं है, चक्की का है अब क्या करे, चक्की ही नहीं है, तो उसके तीन भेद कैसे होंगे? तो ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, अभी तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं की, तो उसको कौन सा है? मिथ्यात्व। इसीलिए सभी को लेते हुए इसमें समाहित करते हुए यहाँ पे मिथ्यात्व कहा है। ठीक है, अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व एवं सम्यक प्रकृति भेदों में से मिथ्यात्व दर्शन मुनि नामक द्रव्य कर्म का उदय नियम से निमित्त रूप रहता है, और बाकी सब भी होते हैं लेकिन उनका कोई नियम नहीं है। अर्थात जब जीव मिथ्यात्व परिणाम से परिणमित होता है तब मिथ्यात्व कर्म का उदय निमित्त रूप रहता ही है, निश्चित रूप से रहता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में है और कदाचित एक दो बार भूल मिथ्यात्व का उदय ना हो, ऐसा नहीं होता। अगर मिथ्या दृष्टि है तो निमित्त रूप से मिथ्यात्व का उदय रहता ही है। इसलिए मिथ्यात्व भाव को औदयिक भाव भी कहते हैं। औदयिक भाव क्यों कहते हैं? औदयिक मतलब उदय से युक्त होना। तो मिथ्यात्व दर्शन मुनि कर्म का उदय होना और उसके उदय में मिथ्यात्व रूप भाव होना, तो उसके उदय में भाव हुआ ना,
तो उदय में भाव हुआ तो कौन सा कहलाएगा? औदय कहलाएगा। तो देखो, तब मिथ्यात्व कर्म का उदय निमित्त रूप रहता ही है, इसलिए मिथ्यात्व भाव को औदयिक भाव भी कहते हैं। लेकिन मिथ्यात्व कर्म जीव को मिथ्या दृष्टि बनाता है, कराता है, ऐसा नहीं है। बस ये समझ लो, ये बस इतना सही समझना पड़ेगा। जब जब मिथ्यात्व होता है तब तक दर्शन मोहनीय कर्म का उदय नियम से रहता ही है, लेकिन दर्शन मोहनीय कर्म का उदय जीव को मिथ्या दृष्टि बनाता हो, बस इतना सा नहीं है। उसके कारण जीव मिथ्या दृष्टि हो, बस इतना सा नहीं है। आगे इसी का विवेचन कर रहे हैं। कर्म का उदय तो निमित्त मात्र ही है, अपराध तो स्वयं जीव का ही है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। आचार्य श्री कुंद ने समय सार शास्त्र की गाथा 132 में जीव के अपराध का बोध कराते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है। देखते हैं क्या कहा है कुंद आचार्य ने। जीवों के जो तत्व का अज्ञान है, तत्व का अज्ञान है मतलब ऊपर क्या शब्द प्रयोग किया था अपनी डेफिनेशन में, अतत्व श्रद्धान है ना, सात तत्वों का विपरीत श्रद्धान, सात तत्व संबंधी भूल, यही अतत्व श्रद्धान होता है। ठीक है, जीवों के जो तत्व का अज्ञान है, वस्तु स्वरूप से अयथार्थ अर्थात विपरीत ज्ञान, वह अज्ञान का उदय है। वह जीव के जो तत्व का श्रद्धान है वह मिथ्यात्व का उदय है। जब जीव अपना अपराध देखेगा, जानेगा, तो अपने अपराध को दूर करने का प्रयास करेगा। अतः जो आत्मा अपना दोष स्वीकार करता है वही पुरुषार्थ कर सकता है, करता है, और जो कर्मों का ही दोष जानता है, मानता रहेगा, वह आत्मा स्वावलंबन रूप सम्यक पुरुषार्थ कभी नहीं कर सकेगा। इतनी सी बात है, समझ में आ गया होगा। मैं फिर से भी एक बार थोड़ा सा हिंट दोबारा से कह देता हूँ। यहाँ आप लोग ऐसा क्यों नहीं कहते कि कर्मों के कारण मिथ्यात्व गुणस्थान हुआ, ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि भाई साहब, हम इसलिए नहीं कहते, अगर हम ये कहेंगे कि कर्मों के कारण मिथ्यात्व गुणस्थान है तो मैं आपसे फिर ये हमारे जिनवाणी का उपदेश काय के लिए दिया आप लोगों ने? जब कर्मों का उपशम होना होगा, जब क्षय उपशम होना होगा, क्षय होना होगा, तब अपने आप हो जाएगा। हमारे हाथ में क्या है साहब, कर्म का उदय है तो मिथ्यात्व गुणस्थान है, अब ना जाने कब तक उदय में रहेगा, हमारे को क्या पता। अगर हम ये कहें कि हमारा अपराध है, हमारी गलती है, तो हम इसको स्वीकार करके इसको सुधार सकते हैं। लेकिन कर्म का उपशम है ना, दादा पहले दादा छोटे दादा के प्रवचन में कई बार ये आता था। वो कहते थे कि अपनी चोटी कर्मों के हाथों में मत दो, ऐसे अपनी चोटी कुछ ऐसा होता होगा कि कुछ चोटी वोटी का रिलेशन, तो दादा उस पर ये जरूर कहते थे कि अपनी चोटी, तो कई लोग होते हैं जो अपनी चोटी भगवान के हाथों दे देते हैं, मतलब उनके करने धरने वाले कौन है साहब, भगवान ही करते हैं, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारा तो, हमारे तो उनकी कृपा है ना, इन भगवान की कृपा है, तो उनके तो भगवान कर रहे हैं। किसी का सब कुछ कौन करता है साहब, कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही सब कुछ करते हैं, कर्म ही के कारण सब कुछ हो रहा है। अब देखो मैं आप ही लोगों से कहूँ, अभी तो कुछ है नहीं, तो मैं कहूँ क्यों श्रेणिक नींद क्यों आ रही है तुम्हें, है ना, तुम सो क्यों रहे हो? अब श्रेणिक हमारे से ये कहे, आपको इतना सा भी नहीं पता है ना, दर्शनावरणी कर्म का उदय है, अभी तो आपने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान कृति, उसमें से किसी का उदय आ गया मैं क्या करूं? कर्मों का उदय आ गया तो मुझे नींद आ गया, मैं क्या कर सकता हूं? अब बताओ, अगर कर्मों का उदय आ गया तो फिर हम बताओ क्या कहें, बताओ, इसमें हम तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको अपनी कमजोरी समझें तो मैं कह सकता हूं कि नहीं श्रेणिक, अगली बार से, मतलब श्रेणिक का उदाहरण दे रहा हूं, किसी का भी उदाहरण ले लें, अब मेरा ही उदाहरण ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं नहीं अब अगली बार से मत सोना, अब अगली बार से मत करना, मुंह धो के आया करो, ऐसे किया करो, ऐसा कर लिया करो, थोड़ा जागरूकता रखा करो, तो हम इसको अपनी, अगर हम उस चीज को अपनी गलती मानते हैं तो सुधारा जा सकता है, और अगर कर्म के भरोसे रहें तो अब क्या करें साहब, कभी भी नींद आ जाएगी, सो सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं। तो कर्म के हाथों में दोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम अपना हित कर्मों के हाथों में दें, आखिर अनादिकाल से कर्माधीन ही तो हो रहे हैं, कौन सा हमारा हित हो गया? आखिर अनादिकाल से कर्म के उदय से तो युक्त हो रहे हैं, कौन सा हमारा हित हो गया? अब हम यहाँ पर, यहाँ जो कहा जा रहा है कि अगर हम अपनी सारी चीजें कर्मों के हाथ दे देंगे कि कर्मों के कारण ही सब कुछ होता है, कर्मों के कारण हम मिथ्यात्व हैं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, तो कह रहे हैं तो कर्म का ही जब उपशम होगा तभी तुम उपशम ही सम्यक हो पाएगा, तो तुम कुछ मत करो, आराम से सो, खाना पीना खाओ, मौज करो, जब कर्मों का उपशम होना होगा। तो भाई ऐसा नहीं होता। देखो, जब जीव अपना अपराध देखेगा, जानेगा, तो अपने अपराध को दूर करने का प्रयास करेगा। अतः जो आत्मा अपना दोष स्वीकार करता है वही पुरुषार्थ कर सकता है और करता है। जो कर्मों का ही दोष जानता है,
मानता रहेगा वह आत्मा स्वावलंबन रूप सम्यक पुरुषार्थ कभी कर नहीं सकेगा। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम सभी के लिए। क्यों इस बात तुम्हारे कम नंबर क्यों आए? अब इसके कई सारे आंसर होते हैं, क्या करें यार वो चेकिंग करने वाला बहुत खराब था, एक बार मिल तो जाए है ना, पता चल जाए किसने कॉपी चेक की, अच्छे से सही कर दें हम उसको। या अरे यार मैं क्या बताऊँ, उस दिन जब लिख रहा था ना तो माहौल बहुत ख़राब था, पेन बहुत ख़राब हो गया, अरे यार पेपर ठीक नहीं था, वो ढंग से नहीं था, उसको लिखने में मज़ा नहीं आ रहा था इसलिए मेरे नंबर अच्छे नहीं आए है ना। या कहें यार बहुत कठिन आया था पेपर इस बार इसलिए मेरे बहुत कम नंबर आ गए। ये सारे उत्तर कैसे हैं? ये सारे उत्तर ऐसे हैं कि हम अपनी गलती नहीं मान रहे कि हमने नहीं पढ़ा। अगर हम एक बात ये मान लें कि साहब हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी इसलिए हमारे कम नंबर आए, तो आगे आपके अच्छे नंबर आ भी सकते हैं, नो डाउट आ जाएंगे। लेकिन अगर आप बाहरी चीज़ों को क्या कहें, बाहरी चीज़ों का दोष देखते हो, यार टीचर बहुत चेकिंग करने वाला बहुत ख़राब था, पेपर बहुत ख़राब बनाया गया, सिलेबस चेंज कर दिया, जाने क्या कर रहे हैं, पढ़ाने वाले ठीक नहीं थे, ये सबसे बड़ा इशू, पढ़ाने वाले ठीक नहीं है इसलिए हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, कॉलेज में सब ऐसे ही चलता रहता है, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, अगर हम दूसरों के ऊपर दोष करेंगे तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, सचमुच कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम इसमें अपना दोष देखें तो हम, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं यार इस बार मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पाया इसलिए कम नंबर आए, तो मैं अपने दोष को स्वीकार करके आगे अच्छे नंबर ला सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि अगर अपना दोष स्वीकार करें अगर अपन, तो अपन के मिथ्यात्व का अभाव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अपना दोष ना मानकर अपनी सारी सत्ता मिथ्यात्व को ही छोड़ दें, कर्मों को ही छोड़ दें, तो उससे हमारा भला नहीं होता। देखो समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। जो जीव आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों की उत्पत्ति में कर्मों के उदय को निमित्त रूप से भी नहीं मानता, देखो दोनों बैलेंस करना है हमारे को, आप सभी लोगों को, कर्मों का उदय भी निमित्त होता है, नियम से होता है, लेकिन कर्मों के कारण भी नहीं होता, बस दो चीजें हैं। कर्मों का उदय भी निमित्त होता है लेकिन कर्मों के वजह से नहीं होता। जो कर्मों के निमित्त को स्वीकार नहीं करते वो भी गलत है, और जो कर्मों को ही सब कुछ मान लेते हैं वो भी गलत है। दोनों चीजें आ रही हैं गलती इस पे बस ये अंतिम है आज की हमारी चर्चा, इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमें कर्मों की उपस्थिति से भी मना नहीं करना है, कर्म चूंकि निमित्त है निमित्त की उपस्थिति से भी मना नहीं करना है, और कर्मों के कारण कुछ हो जाता है ये भी स्वीकार नहीं है, ये दोनों का बैलेंस है। तो साहब क्या है, कर्मों का उदय भी होता है, कर्मों का उदय भी निमित्त होता है, कर्मों की उपस्थिति भी होती है, लेकिन मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन तो जीव ही करता है। अब जो देखो गलती क्या है, अब जो ये कहे कि नहीं नहीं साहब कर्म नहीं होते, कर्मों के कारण नहीं है, अपने आप ही मिथ्यात्व हो रहा है ना, कर्म तो कुछ नहीं कर सकते, अत्यंत अभाव है कर्मों का और हमारे का अत्यंत अभाव, कर्म कुछ नहीं कर सकते है ना, हम मात्र हमारे कारण ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। भाई साहब अपने आप होने लग जाए तो ये विभाव आपका स्वभाव हो जाएगा, नहीं आया वो जल्दी बोल दिया, अपने आप तो ज्ञान दर्शन होता है, जो अपने आप हो वो जीव का स्वभाव है, और जो पर निमित्त से हो वो जीव का विभाव है। शॉर्ट में बता दिया, ये मोक्षमा प्रकाशक में टोडामल जी ने लिखा है। जो अपने आप होता है वो तो हमारा स्वभाव हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि कर्म अपने आप नहीं, अगर हम ये कहें कि मिथ्यात्व अपने आप हो रहा है, मिथ्यात्व गुणस्थान अपने आप ही है सहज रूप से अनादिकाल से, अगर आप इसे अपने आप मानोगे तो ये आपका स्वभाव हो जाएगा, और अगर कर्मों के कारण मानोगे तो पराधीन हो जाओगे, दोनों में दिक्कत है, दिक्कत आ गई। इसीलिए कर्म की उपस्थिति भी होती है लेकिन कर्मों के कारण भी नहीं होता, यही देखो इस पैराग्राफ में यही समझाया जा रहा है। जो जीव आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों की उत्पत्ति में कर्मों के उदय को निमित्त रूप से भी नहीं मानता कि नहीं नहीं कर्म भरम कुछ नहीं होते, उसकी मान्यता के अनुसार विभाव ही जीव का स्वभाव हो जाएगा। ये आपको आ गया सभी को समझ में कि विभाव स्वभाव क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपने आप तो स्वभाव होता है और जो पर के निमित्त से हो वो विभाव होता है। अगर तुम पर के निमित्त से मानोगे तो वो विभाव है, अगर तुम कहते हो कि अपने आप ही होता है तो आत्मा का मोह राग द्वेष करना ये स्वभाव बन जाएगा, कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। इसीलिए यहां कह रहे हैं देखो, उसकी मान्यता के अनुसार विभाव ही जीव का स्वभाव हो जाएगा, पहली गलती, ये सभी को अंडरलाइन, पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है आगे। और जो यह मान लेता है कि कर्म ही विकार का करता है आत्मा नहीं, वे भी कर्मों के अधीन हो गए, लो इसमें आप पराधीन हो गए, बैलेंस रखना पड़ेगा लक्षित। ऐसे जीव सर्वज्ञ भगवान के उपदेश का यथार्थ स्वरूप, अच्छा ऐसे पकड़े हो, मेरे को लगा पता नहीं क्या कर रहे हो, सॉरी देखो। और जो यह मान लेता है कि कर्म ही विकार करता है आत्मा नहीं,
वे भी कर्मों के ही आधीन हो गए। ऐसे जीव सर्वज्ञ भगवान के उपदेश का यथार्थ स्वरूप ना जानने के कारण ज्ञानी नहीं है। तो शॉर्ट में मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग को समझ में नहीं आया आया कि नहीं आया, इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ। पहला, अगर मैं ये मानूँ कि कर्म ही मुझे सुलाते हैं, कर्म ही मुझे जगाते हैं, कर्मों के कारण ही मिथ्यात्व गुणस्थान हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? पीयूष बताओ। किस जमाने में हो आप? यही रहो। देवांश बताओ क्या गलती है? कभी सुधार नहीं सकता, पहला पॉइंट। और कुछ? पुरुषार्थ का लोभ और पराधीन हो जाएंगे। ठीक है, आ गया, इसका मतलब आपको आया। दूसरा मेरा प्रश्न, अगर मैं ये मानूं कि कुछ कर्म फर्म कुछ नहीं होते, अत्यंत अभाव है कर्मों का और मेरा, है ना, अपने आप ही है, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, सब अपने आप ही, मिथ्यात् गुणस्थान अपने आप ही है, अपने 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 आप है, तो इसमें क्या दिक्कत है? किससे पूछूं? किसी से पूछूं? बताओ सन्मति। विभाव अपना स्वभाव हो जाएगा, किससे पूछूं? विनीत क्यों? विभाव स्वभाव क्यों क्यों बोल रहा है ये? विभाव स्वभाव हो जाएगा। अपना नहीं, अपने आप नहीं आया तुम्हें समझ में? किससे पूछूं? पीयूष आया? ये मोक्ष में प्रकाशक में टोडामल जी ने लिखा, जो अपने आप हो वह तो जीव का स्वभाव है। देखो शक्कर को ही ले लेते हैं, हमारे पास शक्कर के अलावा कुछ है भी नहीं, सुबह भी शक्कर शाम को भी शक्कर, है ना। शक्कर जो है, तो शक्कर तो मिठास रूप अपने आप परिणमन कर रही है, किसी को जरूरत तो नहीं है, तो ये उसका क्या है? स्वभाव रूप परिणमन है। ऐसे ही जीव ज्ञान दर्शन रूप भी स्वभाव रूप परिणमन है, क्योंकि ये अपने आप हो रहा है। जो अपने आप होता है वो स्वभाव रूप परिणमन कहलाता है, और जो पर के निमित्त से होता है वह विभाव रूप परिणमन कहलाता है। अगर हम मिथ्यात्व को अपने आप माने, पर के निमित्त को ही स्वीकार नहीं करें, तो ये हमारा स्वभाव बन जाएगा, और स्वभाव पे स्वभाव का अभाव नहीं होता, फिर हम कभी भी मोह राग द्वेष का अभाव नहीं कर पाएंगे, फिर हम कभी भी मिथ्यात्व गुणस्थान का अभाव नहीं कर पाएंगे। जल्दी से, अब हमारे यहाँ सिर्फ पैराग्राफ पढ़ने ही पढ़ने हैं, जल्दी से आप लोग ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक रह जाएगा ना, टॉपिक में डिवाइड है सारी चीज़ें। अतः जीव स्वयं मिथ्यात्व तथा क्रोधादि विभाव भावों को करने वाला अपराधी है। हाँ, जब जीव अपराध करता है तब कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है, यही सत्य मान्यता है, यही उपादान मूलक कथन है। शास्त्रों में जहाँ निमित्त की मुख्यता होती है वहाँ मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है, ऐसा कथन जिनवाणी में मिलता है, कहा जाता है। और तो मैं कहूँ प्रतमान योग करणान योग चरणान योग में तो ऐसे ही कथन मिलते हैं, कहने वाले हैं। देखो प्रतमान योग आदि तीन अनियोगों में उपादान की प्रतमान योग आदि तीन अनियोगों में उपादान की मुख्यता से किए गए कथन अति अल्प हैं, और निमित्त की मुख्यता से किए गए कथन बहुत अधिक हैं। इसीलिए अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है कि निमित्त अर्थात कर्म ही जीव को बलजोरी और जबरदस्ती से विकार कराता है। ये सब ये हालांकि पॉइंट ध्यान देने योग्य है। गलती इसलिए और हो जाती है क्योंकि सारे अनियोग हैं उनमें ज्यादातर यही भाषा है कि कर्मों के कारण ऐसा हो गया। आप लोग देखो अपन पूजन वगैरह भी पढ़ते हैं, खैर अभी की पूजन में तो चेंजेस आ गए हैं, लेकिन पहले की जो पूजन हुआ करती थी वो आदिनाथ भगवान की पूजन तो आप लोगों ने की होगी ना, मारी दीन तड़ी सुन, तो उसमें देखो आप कैसे कैसे वर्णन है कर्मों का। कर्म ने मुझे ऐसे मारा, यहाँ भेजा, वहाँ पिया, खूब मारा, खूब पीटा, फिर यहाँ भेज दिया, तो ये सब ऐसा ही है। प्रथमान योग में इसी प्रकार का वर्णन होता है, कर्णान योग भी इसीलिए है, चरणान योग भी, तो हमें एक तरीके से भ्रम हो जाता है, सामान्य जीवों को भी भ्रम हो जाता है, तो यही गलती हो जाती है हमारे को समझने में। जीव अपने विकारी अथवा अविकारी परिणामों को करने में पूर्ण स्वतंत्र है, स्वाधीन है, आत्मा बलवान है, कर्म बलवान नहीं है। ये आप लोगों ने पता है कब पढ़ा होगा, स्वतंत्र रूप से स्वभाव रूप परिणमन भी करता है, विभाव रूप, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जो निमित्त उपादान के दोहे हैं उसमें तीसरा या चौथे नंबर के दोहे में ये लिखा गया है कि जीव क्या हुआ, पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़े थे? हाँ पढ़ा था ना, तो उसी उसमें ये कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से जी स्वभाव रूप भी परिणमन करता है, व्यवहार रूप भी, जिसको देखना हो वो एक बार उसको देख लें, ठीक है। इस महत्वपूर्ण विषय का यहाँ प्रथम गुणस्थान के प्रकरण में ही विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर देते हैं, जिससे आगे के सभी गुणस्थानों में यथा स्थान और यथा योग्य समझ लेना सुलभ हो जाएगा, ठीक है। क्या सुलभ हो जाएगा? कर्मों के कारण होता है कि नहीं होता है, ये गुत्थी यहीं सॉल्व कर दी। आगे कर्णान योग की पद्धति निमित्त की मुख्यता से कथन करने की होती है,
अतः उसकी भाषा ही ऐसी होती है कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से निमित्त की बलवत्ता से ही मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, ये उसकी भाषा ऐसी है। ध्यान रहे, ये अंडरलाइन करने योग्य है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा कथन तो होता है, कार्य नहीं होता। ये सबको अंडरलाइन करने योग्य है, मतलब कहा तो जाता है, कहने में तो आता है, लेकिन कार्य नहीं होता। मैं अभी समय नहीं है इसलिए आपको दृष्टांत देकर नहीं समझाता, लेकिन इसमें बहुत दृष्टांत देकर आपको मैं समझा सकता था। कोई भी कर्म किसी भी जीव को जबरदस्ती से क्रोधादि विकार भाव नहीं कराता, सदा विकार रूप अधर्म तथा अविकार रूप धर्म करने में जीव पूर्ण स्वाधीन है, स्वतंत्र है, कर्माधीन नहीं है। जब कर्म के उदय से जीव नीचे के गुणस्थानों में गया और विकारी हो गया, ऐसा कथन पढ़ने में भी सुनने में ऐसा कथन पढ़ने में व सुनने में आवे तो समझ लेना चाहिए कि जीव अपने अनादिकालीन कुसंस्कारों के कारण पुरुषार्थहीनता से ही पतित हुआ है। कर्म ने कुछ नहीं किया, मात्र उस काल में कर्म का उदय उपस्थित था। जब कर्म के अभाव से वीतरागता बढ़ गई, जीव के ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त किया, ऐसे कथन मिले तो वहां यह समझना चाहिए कि जीव के स्वभाव के आश्रय रूप विशिष्ट पुरुषार्थ से नया विशेष धर्म प्रकट किया गया। तो आपको समझ में आएगा कथनों को कैसे समझना है। इस प्रकार से हमारा ये जो प्रकरण है पहला, ये इस मिथ्यात्व गुणस्थान का पहला प्रकरण है। कौन सा प्रकरण? मिथ्यात्व की परिभाषा संबंधी। आगे भी बहुत सारे प्रकरण हैं, बाकी के अपन कल समझेंगे।